हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरुमा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तस्दीक खान आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज हैव। यूज ऑफ हैज हैव को आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक अलग अंदाज से पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। मुस्लिम जो बच्चे यूज ऑफ हैज हैव पढ़े हैं, वो पढ़ते हैं कि हैज हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास या रखना शब्द आए। यानी अगर कहना हो कि मेरे पास एक घर है तो हम यूज करते हैं हैज हैव। या कहना हो कि वह अपने घर दो किताबें रखता है तो वहां लिखते हैं ही हैज टू बुक्स। लेकिन क्या हिंदी में हमेशा हम बात को उसी तरह से करते हैं जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है? क्या हिंदी में हमेशा बात को उसी तरह से करते हैं? और क्या हमेशा वहां जो हिंदी का सेंटेंस होता है वहां पास या रखना ही आता है? आइए इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला सेंटेंस है, मैंने लिखा है कि मेरे दो घर हैं। क्या लिखा मैंने? मेरे दो घर हैं। असल में मैं बताना तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास दो घर हैं, लेकिन उसको मैं हिंदी में पास न कह के एक दूसरे अंदाज में कह रहा हूं। इसलिए जो बात आप पढ़ते हो कि पास या रखना आने पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं, वो कहीं कहीं आपके लिए घातक साबित हो सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ध्यान दें कि आप इसको ऐसे रखेंगे कि हैज और हैव का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें किसी वस्तु पर किसी वस्तु का पजेशन दिखाना हो, यानी अधिकार दिखाना हो। हैज हैव का पहला प्रयोग हम कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर अधिकार दिखाना हो, हक दिखाना हो। जैसे कि पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि मेरे दो घर हैं, इसमें मैंने कहीं भी है पास या रखना शब्द का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी यहाँ प्रयोग हम क्या करेंगे? हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है मेरे दो घर हैं, यानी असल मतलब कहने का तो मेरा वही है कि मेरे पास दो घर हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि मेरे दो घर हैं, उसकी दो पत्नियां हैं, उसके दो बेटे हैं। ये सारी चीजें हम हमेशा पास या रखना लगा के नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आ गया कि मेरे पास दो घर है या मेरे दो घर हैं, आप हमेशा यूज क्या करेंगे? हैज हैव का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं? पजेशन दिखा रहे हैं। तो जो बना हुआ सेंटेंस होगा वो क्या होगा? आई हैव टू हाउसेज, आई हैव टू हाउसेज, मेरे दो घर हैं। तो पहला यूज करते हैं बच्चों हैज और हैव का जब हमने एक वस्तु का या यूं कह लें कि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर अधिकार दिखाना हो, हक दिखाना हो, तो हम वहां पर पहला यूज करते हैं। दूसरा यूज लिखा है मैंने हैज हैव का प्रयोग तब करते हैं जब हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने। देखा ध्यान से, मनुष्य का किसी जानवर का या किसी भी प्राणी का अगर आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी बताना है तो पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने के लिए भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अब वो छोटे थे तब से एक लाइन पढ़ते आ रहे होंगे कि गाय एक पालतू जानवर है, तो काउ इज अ पेट एनिमल। और उसके बाद आप दूसरा सेंटेंस क्या लिखते थे? हमेशा लिखते थे ही इट है, सी हैज फोर लेग या इट हैज फोर लेग्स। तो यहां पर आप क्या बताते थे कि गाय के चार पांव होते हैं, तो गाय के जो चार पांव हैं असल में वो क्या है? तो गाय के जो चार पांव हैं उसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी ही तो है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने के लिए भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि मनुष्य की दो किडनी होती है, मनुष्य की दो किडनी या दो किडनियां होती हैं, मनुष्य की दो किडनी या दो किडनियां होती हैं। अब ध्यान से अगर आप बात को यहां समझें तो आप क्या बता रहे हैं? मनुष्य का पार्ट्स ऑफ बॉडी बता रहे हैं, मनुष्य का पार्ट्स ऑफ बॉडी बता रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि मैन मतलब मनुष्य हैज टू पार्ट्स ऑफ टू किडनीज, मैन हैज टू किडनीज, मैन हैज टू किडनीज, माने मनुष्य के दो किडनीज होते हैं। इसी तरह से आपको कहना हो कि गाय के चार पैर होते हैं तो आप करते हैं काउ हैज फोर लेग्स। फिर उसके बाद आपको कहना हो कि हाथी का एक लंबा सूंड होता है तो आप लिख सकते हैं कि द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, द एलिफेंट हैज
अलार्म ट्रंक। तो हम हैज का दूसरा यूज काम करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने के लिए, हैज का तीसरा यूज काम करते हैं बीमारी बताने के लिए, इलनेस यानी बीमारी बताने के लिए भी हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे बुखार है और मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार है, मुझे बताना है, तो मैं कैसे बताता हूँ, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। या मान लीजिए कहना है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो हम फिर भी कहते हैं ही हैड हार्ट अटैक। चूंकि पास्ट टेंस में चला जाता है तो हम हैज का और हैव का सेकेंड फॉर्म हैड यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसे डायबिटीज है तो आप कह सकते हैं ही हैज डायबिटीज, कह सकते हैं ही हैज डायबिटीज। अब अगले यूज में हमारा, तो पहला काम करते हैं पोजिशन बताने के लिए, और दूसरा पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने के लिए, और तीसरा इलनेस यानी बीमारी बताने के लिए। एक अगला चीज मैंने लिखा है बच्चों की रिलेशन की काउंटिंग बताने के लिए, यानी आपको कोई सगा संबंधी हो और आपको काउंटिंग बतानी है। जैसे मेरे चार मित्र हैं, फिर याद रहे, देखे मैंने कहा मेरे चार मित्र हैं, यहाँ पर मैंने नहीं कहा कि मेरे पास चार मित्र हैं या मैं चार मित्र रखता हूँ। तो पास या रखना वाला जो सेंटेंस होता है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप हैज हैव का प्रयोग करिए, लेकिन आप उसको पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि जहां भी पास या रखना रहेगा तभी मैं हैज हैव का प्रयोग करूंगा। उसके अदर केसेस में भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि मेरे दो भाई हैं, यहां मैं क्या बताऊं, अपने अपने रिलेशन मैंने अपने रिश्तेदार या अपने सगे संबंधियों की काउंटिंग बता रहा हूँ, काउंटिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। यहाँ ध्यान दें, मान लीजिए आपको कहना है कि मेरे चार मित्र हैं तो आप कैसे करते हैं, आई हैव फोर फ्रेंड्स। अगर आपको कहना है कि मेरी दो बहनें हैं तो आप कहते हैं आई हैव टू सिस्टर्स। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको कहना हो कि अगर आपको कहना हो कि मेरे तीन भाई हैं तो आप कहेंगे आई हैव थ्री ब्रदर्स। ठीक है, तो पहला यूज हम कहां करते हैं पोजिशन के लिए, दूसरा पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने के लिए, तीसरा इलनेस यानी बीमारी बताने के लिए, चौथा रिलेटिव यानी रिलेशन जो रिश्तेदार होंगे या जो आपके सगे संबंधी होंगे उनकी काउंटिंग बताने के लिए। अगला मैंने लिखा है कि टू ईट एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने के लिए भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें कि जब हम खाने के पीने के लिए हैज हैव का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो हैज हैव है वो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। अब अगला चीज यहाँ देखेंगे, लिखा है मैंने कि वह एक सेब रोज खाता है, वह एक सेब रोज खाता है। तो ये रूटीन एक्शन है, ये प्रेजेंट सिग्निफिकेंट टेंस है, इसमें हम रूटीन एक्शन का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट टेंस में भी सेंटेंस को आप बना सकते थे कि वह एक सेब रोज खाता है, आप लिख सकते हैं ही ईट्स एन एप्पल डेली, कोई दिक्कत नहीं है। आप ईट्स के जगह टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ही टेक्स एन एप्पल डेली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे आप ईट लिख सकते हैं, टेक लिख सकते हैं, आप यहाँ पर हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ही हैज एन एप्पल डेली, ही हैज एन एप्पल डेली। यानी खाने पीने के लिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं सेंटेंस लिखा है कि वो पानी पी रहा है तो आप लिखते हैं ही इज ड्रिंकिंग वाटर, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज टेकिंग वाटर, ठीक उसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज हैविंग वाटर। यानी हैज हैव का प्रयोग ईट के ईट खाने पीने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, अगला जो देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा वो है निगेटिव। इसके निगेटिव में बच्चों थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि मुस्लिम बच्चों को मैं इसमें गलती करते हुए पाता हूँ। लिखा है कि मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, और मैं अक्सर बच्चों को बनाते हुए मैंने देखा है कि आई हैव नॉट पेन। ध्यान दें बच्चों, ये जो आपने लिखा है आई हैव नॉट पेन, यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई हैव नॉट पेन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। दूसरा जो ऊपर मैंने लिखा है आई हैव नो पेन, यहां हम लिख सकते हैं, यहां पर जो है नो के साथ ये सेंटेंस सही है, आई हैव नो
पेन। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं निगेटिव सेंटेंस में कि यहां पर नो और नॉट का यूज कैसे करते हैं। तो फिर ध्यान रखेंगे बच्चों, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है, इसका ट्रांसलेशन आई हैव नॉट अ पेन इनकरेक्ट है। आई हैव नो पेन करेक्ट है। आई डू नॉट हैव पेन, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, अभी हम आपको तो अब हम देखेंगे कि हैज हैव का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चूंकि वहां नीचे वाले वीडियो में मुझे लग रहा था पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने उसको अलग से रखा है। तो यूज ऑफ हैज है इन निगेटिव सेंटेंस। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, मैंने लिखा है कि मेरे पास पुस्तक नहीं है। क्या लिखा मैंने? मेरे पास पुस्तक नहीं है। तो यहां पर मैंने पहला सेंटेंस बनाया है कि I'm sorry, उसके पास पुस्तक नहीं है। तो हमने क्या लिखा है? He has not pen. He has not pen. यहां पर पेन नहीं रहेगा बल्कि बुक रहेगा। He has not book. तो यहां पर मैंने कहा ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। फिर दूसरी बार मैंने लिखा He has no pen. मैंने कहा यह सेंटेंस कैसा है? मैंने कहा करेक्ट है। फिर तीसरी बार मैंने लिखा He does not have a pen. मैंने कहा यह सेंटेंस भी करेक्ट है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये जो नॉट लगा के मैंने सेंटेंस बनाया है ये इनकरेक्ट क्यों है। तो ध्यान से आप देखें बच्चों, तो आप देखेंगे कि नॉट का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये एडवर्ब होता है। ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। और नो क्या होता है? ये नो जो होता है एडजेक्टिव होता है। अब ध्यान से समझेगा तो एडवर्ब में जो नॉट है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मानता हूं तभी तो आप नॉट लगा सकता हूं, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर यहाँ पर मेन वर्ब कौन है? तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हम कभी नॉट नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं। मेन वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। अच्छा, दूसरे सेंटेंस को मैंने कहा ये सही है, इसमें मैंने नो का प्रयोग किया। यहाँ पर देखें कि नो जो है फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह। नो कैसे काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव का यूज कहाँ करते हैं? नाउन से पहले। तो यहाँ पर मैं पेन से पहले नो का यूज कर सकता हूँ। और फिर याद रखेंगे कि यहाँ नो इज इक्वल टू नॉट ऑफ, यानी नो का मतलब होता है नॉट ऑफ। तो यानी यहाँ नो का मतलब हुआ नॉट ऑफ पेन, लेकिन नॉट नहीं लगा सकते। जैसे ही नॉट लगाएंगे फिर वो हेल्पिंग वर्ब डिमांड करने लगेगा, क्योंकि जितना अब तक आपने पढ़ा है जितना मैंने पढ़ा है नॉट को हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करते हैं। हाँ, बट नॉट में एक बार उसको एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं, तो जब कभी कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो फिर मैं मार्क कर दूंगा। लेकिन मोस्टली जो है हम नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, मेन वर्ब के पहले करते हैं। तो फिर हमारा ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ये मेन वर्ब डिमांड करेगा जो हमारे पास नहीं है। फिर तीसरे सेंटेंस में मैंने कहा कि नॉट लगा के अब बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डच जो है हेल्पिंग वर्ब है, अब हमारा ये हैव जो है मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर बुक रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? He does not have a। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने एक लिखा ही नहीं है और हिंदी में इंग्लिश में आप ए डालते जा रहे हैं। याद रखेंगे कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ लिखे जाते हैं, इससे मतलब नहीं है कि वहां पर ए है कि नहीं है। आर्टिकल के चैप्टर में मैं इस बात को क्लियर करूंगा। आशा करता हूँ जो कुछ मैंने बताया आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर जो बातें ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।